एक तरफ शाहीन बाग में जहां लोग आके बैठ रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान से, भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया, ये चर्चा हर जगह चल रहा है। आप इसको मानते हैं? मानता हूँ, पूरा मानता हूँ। पाकिस्तान की जीत? हाँ, पाकिस्तान की जीत हुई है पूरा। ये 7 शादी करेंगे, 49 बच्चा पैदा करेंगे, वही सिर्फ मुसलमान है या जिनकी एक ही बीवी है, जिनके 2 बच्चे हैं वही मुसलमान है? दो हमें टकले तकला हमें देगा नारा आजादी, मोदी को मारो गोली मारो, ये सब अच्छी चीज है, देश के संस्कार है। देखिए, 4 पार्टी गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी, जिसका मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चुनाव में पहली बात तो हमारी गठबंधन को दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं बड़ा विनम्रता से उसे स्वीकार करता हूँ। और बात रही इस लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव में हार जीत होती है, यहाँ पे फ्री वाली जो स्कीमें थीं वो जीत हुई है उसकी। फिर भी सारे कार्यकर्ता में उत्साह बना हुआ है, क्योंकि जहाँ 3 थे 8 और 9 तक पहुँचे हैं, और जहाँ 67 थे 67 थे वहाँ से लोग चले गए हैं अभी 61 में, इनकी भी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। झूठ बोल के ज़्यादा दिन आप चल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पटपरगंज में तमाम जगहों पर जो आपके वादे थे कि 45-50 सीटें ला रहे हैं हम, कहाँ अब तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। देखिए, ख़त्म नहीं हुए हैं, हर जगह हमारे कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी उत्साह था। जिस तरह से यह हमेशा अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते थे हारने के बाद कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, मैं भी कहूँगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम की जांच होनी चाहिए। और जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मैं मांग करता हूँ कि इसकी जाँच करें, ईवीएम मशीन की जाँच करें कि कहीं कोई हैकिंग तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो हिसाब से हमेशा इनका आरोप लगता रहा है चुनाव हारने के बाद में, हमें भी लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आखिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम लोग जो थे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के वक्त, जो है उन्होंने खुद से पर्चे बांटे रोड किनारे चलते चलते, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उसका परिणाम मात्र ही 8। देखिए, NDA के जो भी अलायंस पार्टनर हैं या BJP के जो भी मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, PM हैं, सब अपने आप को मानते हैं कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता। तो हर जगह पंपलेट बांटना हर पार्टी कार्यकर्ता का काम है। इससे पहले तो सर कभी नहीं ऐसा देखा गया था। अच्छा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमेशा कुछ ना नया तो लोग करते ही हैं। इस बार हमें कुछ और करना था, और हमारा परसेंटेज जो आप देखेंगे तो दिल्ली में जहाँ पिछली बार हमें 31 आई थी, इस बार हमारी 34 से ऊपर गई है, सीटें भी बढ़ी हैं, लोगों में उत्साह बढ़ा है। और ऐसा हम नहीं मानते हैं कि कहीं कहीं कोई कमी भी नहीं रही है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स, मैं EVM को जो लोग बार बार बोलते रहते थे, EVM में कुछ ना कुछ गड़बड़ी इन्होंने किया है। आखिर दिल्ली की जनता तो समझ गई ना कि ये फेकू है, झूठ बोलने वाली पार्टी, आप भी उस दल में शामिल हो गए? नहीं, दल में अच्छी अच्छी बताइए, एक तरफ शाहीन बाग में जहाँ लोग आके बैठ रहे थे बांग्लादेश पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बैठ रहे थे लोग, पाकिस्तान से भी लोग आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे? नहीं सर, वो बैठ नहीं रहे थे, वो डेलीगेट्स बुलाए गए थे, स्पोक्स पर्सन थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो हिस्सा रहे, वो लोग वहाँ पर आए थे। नहीं, और भी आप अगर देखेंगे वहाँ जितने लोग बैठे थे उसमें दिल्ली की जनता बहुत कम थी। नहीं 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 सर, ये तो आरोप लगाना आप गलत। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप सबके हाथ में देख लीजिए उंगली जाके, जितने लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग वोट डाला, अमानतुल्ला खान जो 60-70 हज़ार वोट से आगे है। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के लोग आए थे, कुछ लोग बांग्लादेश के लोग आए थे। नहीं, मेरा कहना था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा उस मीटिंग में लग रहे थे। नहीं, गलत, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लग रहे थे। कन्हैया कुमार वहाँ पर नहीं आया, कन्हैया, लेकिन भारत आजादी की नारा लग रही थी। आजादी का तो हर जगह लग, हमें आजादी चाहिए, कैसी आजादी भाई? भुखमरी से नहीं चाहिए, भुखमरी से नहीं, नहीं चाहिए भुखमरी से नहीं। क्या कह रहे थे आप? जो है आप लोग NDA की जो लोग हैं वो केजरीवाल को आतंकवादी कह दें तो बड़ा अच्छा। मैं आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, NDA की गवर्नमेंट जो आप लोग के संगठन थे, चाहे लोजपा हो, BLRP हो या BJP हो, ये लोग मिलकर जो है केजरीवाल को आतंकवादी कहें या नहीं कहें? देखिए, केजरीवाल जी, ये किसी भी देश का जो बड़ा लोकतंत्र है वहाँ फ्री में कोई चीज़ दे के लालच देना, फ्री में देना आतंकवादी है? नहीं नहीं नहीं, फ्री में देना आतंकवादी नहीं है। मेरा कहना है कि जिस हिसाब से भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें आज़ादी चाहिए, सब इसमें जो समर्थन जाके दे रहे थे शाहीन बाग का, इसका हमने हमेशा इनका
के विरोध किया कि शाहीन बाग का समर्थन आपको नहीं देना चाहिए। CAA और NRC का जब हर मुद्दे का डिक्लेयर किया गया, उसको डिस्प्ले किया गया मार्केट में कि CAA क्या है, NRC क्या है, इस मुद्दा पे चर्चा के लिए भी हम लोग हर जगह तैयार थे। एक बात सवाल है आपसे कि पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी आए स्वीकार है, ठीक है, बुद्धिज्म कम्युनिटी आए तो स्वीकार है, वहाँ से और सिख समुदाय के लोग आए तो स्वीकार, लेकिन वहाँ के मुसलमान स्वीकार नहीं, आपको स्वीकार की बात नहीं है। तो CA NRC यही तो है साहब, आजादी के CAA हमारा जो है ना, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, क्या ये लोगों को नहीं, लोगों को नागरिकता देने के लिए है। हर बार अमित शाह जी ने भी कहा है, मुसलमान सभी जो भारत में जो हिंदू भी आए थे, भारत में जो लोग रह रहे हैं, अब समझ लो आधार कार्ड बन रहा, एक एक आदमी का मैं दिखा दूंगा, पांच पांच आधार कार्ड है, कैसे बन रहा एक एक नागरिकता। सीनियर सिटीजन जो सिटीजनशिप देने का एक अलग से एक कानून बनाया गया है कि सभी को सिटीजनशिप दिया जाएगा, एक व्यक्ति का दूसरा नहीं बनेगा, एक व्यक्ति का सिटीजनशिप का आईडी कार्ड एक ही रहेगा, वो दूसरा अगर बनाना भी चाहे तो नहीं बन सकेगा, हर व्यक्ति की पहचान होगी। आज के समय व्यक्ति की पहचान देश में नहीं है, कोई भी कुछ करके चला जा रहा है। लोग कर रहे हैं ना सर, सरकार में आप हैं, प्रशासन में आप हैं, तो आप ही लोग कर रहे हैं। हम लोग ही तो कर रहे हैं ना भाई, कि हम लोग सबको, जितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं, सब लोग ऑथराइज ढंग से हम लोग उसको रखेंगे। ये हमारी प्रयास थी और हमेशा चर्चा के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं। जो भी CAA है, NRC है, उसको आप जानिए उसका बिल क्या था। मतलब साफ है कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि कपिल मिश्रा ने जो कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला है, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये चुनाव को ये तो था एकदम चुनाव में। अब देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नहीं, इस चुनाव जो दिल्ली का जो वही तो दिल्ली का चुनाव का मतलब भारत पाकिस्तान आप देख लीजिए, पाकिस्तान में लड्डू हर जगह बांटे जा रहे हैं, यूट्यूब में आना शुरू हो चुका है, हर जगह पाकिस्तान में लड्डू बांटे जा रहे हैं, बांग्लादेश में लड्डू बांटे जा रहे हैं, अब पता करवाए चारों तरफ से, सारा यूट्यूब में वायरल हो रहा है कि दिल्ली में दिया गया है कि भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया, ये चर्चा हर जगह चल रहा है। आप इसको मानते हैं? मानता हूँ, पूरा मानता हूँ, पाकिस्तान की जीत। हाँ, पाकिस्तान की जीत हुई है पूरा। ये जो शाहीन बाग में जिस हिसाब से ये लोग खेल खेल रहे थे, और CAA किस कंट्री में CAA नहीं है बताइए, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ करे कानून है। NRC का मामला हो या CAA का मामला हो, आप जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले, हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा भारत बने जहाँ वो लोग हमारे देश में आए और बोले कि हाँ क्या भारत है, लोग घूमने जाएंगे। आज बोलते हैं अमेरिका जाएंगे, यहाँ आज कोई क्यों नहीं बोलता है कि हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जब अलग हुआ उस समय हिंदू वहाँ कितना था, आज हिंदू वहाँ पे कितना है। बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ 10% मुस्लिम थे, आज हिंदू बच गए वहाँ पे 10%। यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को रहने की इजाज़त नहीं है क्या? इजाज़त है, तो आप कहाँ रहने का? एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, जो 7 शादी करेंगे, 49 बच्चा पैदा करेंगे, वही सिर्फ मुसलमान है या जिनकी एक ही बीवी है, जिनके 2 बच्चे हैं वही मुसलमान है? 2015 बैच का 2 नंबर IAS देश का मुस्लिम है। और BJP के जहाँ तक आप लोग बात करते हैं, BJP के समय में ही APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया देश का राष्ट्रपति, BJP के समय में ही बनाया गया तो कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया BJP के समय में। अच्छा, कोविंद जी बोलते थे कि BJP जो पार्टी है तेली बनिया स्वर्ण की पार्टी है, लोग बोलते थे ना, लेकिन आज के समय में एक दलित समुदाय का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना है, ये मोदी जी के समय में बना है, पहला चीज। दूसरा, इसी BJP के समय में जो आज मंत्री थे, इनके समय में ही कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे। ये जो आरोप लगते रहे हैं, ये लोगों का एक सिस्टम था कि लोगों को डरा के रखना, कम्युनल कहना, ये सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो देश हित में जो भी पार्टियां काम करेगी उनको विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। और बात रहा दिल्ली का, जहां तक है ये जनादेश को हम लोगों सबको सबने स्वीकार किया है। तो JNU और जामिया में हमला दिल्ली चुनाव के लिए करवाए थे आप? नहीं, कोई हमला हमने कराया नहीं वहां पे। JNU में हमला नहीं करवाया, घुस के लोगों को मारा? JNU में जो उसका जो साफ आया कि जो लोग बाहर से वहां पे आए थे, बाहर से आ करके RSS के लोग? नहीं, वहां पे JNU में आप अगर देखेंगे जा करके, जो अंदर का रिपोर्ट आई है, वहां के बच्चे नहीं थे, वो बच्चे लोग कुछ साजिश के तहत में वहाँ घुसे थे और देश को और जामिया को कमजोर करने का एक साजिश था उनका, एक षड्यंत्र था, वो पीटे हैं। वहाँ के बच्चे हमारे नहीं पीटे, आप देख लीजिए पूरा। तो जामिया के लाइब्रेरी में जो घुसकर आपने पुलिस के द्वारा जो घुस के लोगों को मारा गया, लड़कियों को पीटा गया, ये कहाँ तक न्याय है? मैं कह रहा हूँ कि आप चेक जब करेंगे ना, पूरा जब फुटेज मिलेगा। ये तो सर पूरा वीडियो है, लेकिन कॉलेज का नहीं था वो,
वो जो बच्चा था ना, वो बच्चे सारे बाहर से आके वहाँ घुसपैठ करने की पूरा कोशिश कर रहे थे। दो दिन पहले जो गार्गी यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई, वो भी बच्चों के साथ को सपोर्ट करने वाले लोग थे एनआरसी के साथ, जो सब उसको हमने कहा है, हमने अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है कि इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। एनआरसी को सपोर्ट करने वाले को नहीं, ये जो गार्गिल तो वही लोग तो एनआरसी को, मेरा कहना था कि उसको इससे मत जोड़िए आप, उसको इस चीज़ से आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियों के साथ हैं, बच्चों के साथ तो छेड़खानी किया है, छेड़खानी का हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं, और छेड़खानी करने वाले या तो सपोर्टर हों या विरोध करने वाले हों, उन पे कठोर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत ही जल्द उस सब सलाखों के पीछे होंगे। मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री, हमने सबके खिलाफ कहा है, जो व्यक्ति केजरीवाल जी को हमने आतंकवादी कभी नहीं कहा, उनको ये कहा हमने कि CAA और NRC का आप जो विरोध कर रहे हो, इसके पहले धारा 370 में आपने समर्थन दिया था पार्लियामेंट में, हमें लोकसभा में दिया, राज्यसभा में दिया, यहाँ पे आप विरोध कर रहे हो, आखिर मेरा कहना है कि आप जो है CAA और NRC के जो विरोधी थे उनके साथ में आपने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया साइन बाग में, और वहाँ पे जो नारा लगने लगे हर चीज के बारे में, छोटा बच्चा से नारा लगवा रहे हो, हमें टकले टकला हमें देगा नारा, आजादी, मोदी को मारो, गोली मारो, ये सब अच्छी चीज है, देश के संस्कार है, ऐसी चीज को लाना। आप चले जाओ अलीपुर, चले जाओ मुर्शिदाबाद, चले जाओ सरस्वती पूजा मना नहीं सकते हो, संघ बजा नहीं सकते हो, कैसा देश है हमारा भाई। तो दिल्ली की जो जनता है उनको BJP और NDA आपकी जो पार्टी है, BLRP हो या JDU हो, उनको तो साइड बायकॉट किया ना? नहीं, बायकॉट नहीं किया, परसेंटेज हमारा बढ़ा है, परसेंटेज की चार सीट लाने से परसेंटेज बढ़ता है, परसेंटेज आप जहाँ 31 थे वहाँ आप 34 पे आए हैं, और देश हित की जब जब बारी होगी, जब जब हमारे देश विरोधी जहाँ नारा लगेंगे, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा खिलाफ पे खड़ी होगी, और जहाँ देशभक्त की नारा लगेंगे वहाँ भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।